भाइयों, आज हम लोग जानेंगे धान की खेती के बारे में। वनस्पति का नाम ओराइजा सेटाइबा। धान ग्रेमनी कुल का होता है। गुणसूत्र 2N24। जन्म स्थल इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया। महत्व एवं उपयोग, धान विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। भारत में कुल कृषि क्षेत्रों के लगभग 1/3 भाग पर धान की खेती होती है। जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। औसत तापमान 21 से 31 की आवश्यकता होती है। भूमि, धान की खेती के लिए भारी दोमट या दोमट भूमि अच्छी होती है तथा अम्लीय भूमि में भी आसानी से उगाई जा सकता है। पीएच 4.5 से 6.5 के बीच में भी उगाई जा सकती है। धान की किस्म अगेती क्वारी जातियाँ साकेत 4 अगेती सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। दाना बारीक एवं लंबा, उपज 35 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर। फसल अवधि 116 दिन। प्रसाद बौनी किस्म, समय अवधि 120 दिन। चावल लंबा एवं पतला होता है। उपज 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर। नगीना 22, समय अवधि 96 दिन। चावल सफ़ेद एवं मध्यम आकार का होता है। उपज 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। कम वर्षा क्षेत्रों में भी उपयुक्त है। रत्ना उत्तर प्रदेश में अगेती रोपाई हेतु उपयुक्त अवधि 120 दिन। चावल लंबा पतला होता है। उपज 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। पूसा 33, पूसा 169, नरेंद्र धान 80 आदि किस्में हैं। मध्यम कार्तिकी जातियाँ जया पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में और समस्त भारत में उगाते हैं। फसल अवधि 130 से 135 दिन। इसका दाना मोटा होता है। उपज 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। सरयू 52, अवधि 130 से 135 दिन की होती है। लंबा चावल, उपज 55 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। पूसा बासमती 1 विश्व में सबसे अधिक उपज देने वाली बासमती किस्म है। अवधि 135 से 140 दिन। उपज 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। IR 8 पंत 4 माही सुगंध ये किस्म है। पछेती अथवा अगहनी किस्में टार 9, अवधि 160 दिन। तूण पाए जाते हैं इसमें। चावल लंबा मोटा एवं सुगंधित व सफ़ेद होता है। उसर के लिए उपयुक्त, इसकी उपज 32 क्विंटल पर हेक्टेयर। टा 26, टा 100, VL धान 206 आदि, लुनिश्री आदि पछेती किस्में हैं। उसर भूमियों के लिए किस्में साकेत 4, उसर 1, पूसा 2, 21, जया IR 24 आदि। सूखा अवरोधी किस्में नगीना 22, बाला कावेरी आदि किस्में। जलमग्न क्षेत्रों के लिए जलमग्न वृद्धि तैरने वाली किस्में बलुई दोमट भूमियों के लिए किस्में जया IR 24। सुगंधित किस्में रामभोग माई सुगंधा, हंसराज, पूसा बासमती, शंकर किस्म, पंत शंकर धान 1, नरेंद्र शंकर धान 2। धान की खेती के प्रकार, निचली मृदाओं में धान की खेती, ले युक्त मृदाओं में खेत में रोपण विधि अर्थात नर्सरी द्वारा लगाए जाने वाला विधि। पौध विधि, डेपोक विधि, श्री मेथड। खेत में सीधी बुआई डायरेक्ट सीडलिंग मेथड। पंक्तियों में बुआई छिटकवा विधि। ले रहित या सूखे में बीज की बुआई पंक्तियों में बुआई करते हैं अथवा छिटकर बुआई करते हैं। ऊंची मृदाओं में धान की खेती पंक्तियों में बुआई करते हैं अथवा छिटकवा विधि से करते हैं। बीज दर छिटकवा विधि से 100 किलो पर हेक्टेयर लगता है। संकर धान 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर लगता है। सीडलिंग या पंक्ति से लगाने पर 60 से 80 किलो पर हेक्टेयर लगता है। नर्सरी
नर्सरी लगाने हेतु 23 से 30 किलो पर हेक्टेयर लगता है। डेपोक विधि से नर्सरी उगाने पर 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर लगता है। एक हेक्टेयर के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यह विधि उपयुक्त विधि है। नर्सरी की पौधे लगाने की अवधि 11 से 14 दिन बाद लगाते हैं। बुआई अंतराल सामान्यतः 20×10 सेंटीमीटर रखते हैं। श्री मेथड बीज दर इसमें 5 किलो पर हेक्टेयर लगता है। एक हेक्टेयर के लिए 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बुआई की दूरी 25 से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। पौधों खेत में लगाते समय उसकी अवधि कम से कम 11 से 14 दिन तक होनी चाहिए या 4 पत्तियों तक होना चाहिए। उर्वरक नाइट्रोजन 80 से 120 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 60 केजी पर हेक्टेयर, पोटास 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर, जिंक 25 केजी पर हेक्टेयर डालनी चाहिए। जैविक उर्वरक एजोला नीला हरित सवाल और एजोबैक्टर आदि अधिक मात्रा में खेत में पानी होने पर अधिक लाभ मिलता है। नर्सरी सफ़ेद रोग, यह रोग लौह तत्व कमी से होता है। नियंत्रण फेरस सल्फेट का प्रयोग करें। धान की रोपाई जून के लास्ट में जुलाई के पहले सप्ताह में कर देते हैं। धान की रोपाई खाद की छिटाई सिंचाई जल मांग 900 से 2500 मिलीमीटर होता है। धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए। पकाई के समय 2-3 सप्ताह पूर्व इसे हटा देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण जंगली घास सावा मोथा यह आदि धान के प्रमुख खरपतवार हैं। नियंत्रण हाथों द्वारा निराई करके करें। दूसरा खरपतवार नाशी का प्रयोग करके करें। दवा का नाम प्रोपेनील स्टाम्प F34। रोपाई के बाद या अंकुरण के बाद प्रयोग करें। बेंथियो कार्ब सेटर्न 2 किलो पर हेक्टेयर सक्रिय तत्व अंकुरण से पूर्व। ब्यूटाक्लोर मेचेटी 1.5 केजी पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व। एनिलफोस 2 किग्रा पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग करें। कीट प्रबंध कीट धान का पीला तना छेदक प्रभावित भाग तना का बाली सफ़ेद हो जाना कारटाफ हाइड्रोक्लोराइड पादान 4G@2 किलो से 5 किलो पर हेक्टेयर सक्रिय तत्व डालते हैं। धान का गंधीबग धान की बाली के रस चूसते हैं जिससे बालियां सफ़ेद हो जाती हैं। मेलाथियान का प्रयोग करें 50 EC 625 ml पर हेक्टेयर छिड़काव करें। यह है धान का तना छेदक कीट, धान का गंधीबग कीट, धान का हिस्पा कीट, धान का भूरा फुदका पूरा पौधा हापर बन की तरह हो जाता है। इमिडा क्लोरोफिल 100 ml पर हेक्टेयर छिड़काव करें। रोग धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग कारण थियोस्पोरियम अराइजी नामक फफूंदी द्वारा होता है। लक्षण ये पत्तियां पर छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और बड़े हो जाते हैं जो कत्थई रंग के होते हैं। नियंत्रण सेरिसान से 2.5 ग्राम पर kg बीज से उपचारित करें। डाइथेन जेड 78 जीनेब 0.25% घोल का छिड़काव करें। रोधक जातियां IR8 गोविंद आदि उगाएं। धान का पत्ती धब्बा रोग ब्लास्टा या झोंका रोग कारण पायरिकुलेरिया और आईजी नामक फफूंद से होता है। लक्षण पौधे में काला राट या राटनेक होता है। पत्तियों का पर तुर्क
स्पाइंडल के आकार के धब्बे बनते हैं। नियंत्रण रोग रोधी किस्में उगाएं, विजय रत्ना, VL8, VL16, प्रसाद आदि किस्में उगाएं। हिनोसान 50 EC के 0.1% का छिड़काव करें। धान का झौका रोग, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, कारण जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण सूखे पीले पत्तों के साथ लंबे लंबे चकते बनते हैं। नियंत्रण 0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाकर छिड़काव करें। धान का जीवाणु से पत्ती रोग, धान का खैरा रोग, कारण जिंक की कमी। लक्षण पत्तियों छोटी छोटी कत्थई रंग के धब्बे बनके पूरे पौधे को ग्रसित कर लेती हैं। नियंत्रण 0.5% जिंक सल्फेट खड़ी फसल पर छिड़काव करें। टुंग्रो विषाणु ये एक प्रकार का रोग है जो पत्तियां सफ़ेद कर देता है। धान का खैरा रोग, झूठा स्मट रोग, अष्टिलागी नोडिया विरेंस फंगस के कारण होता है। लक्षण धान के दानों पर छोटे छोटे पीला पीला चूर्ण होता है, जब वो बड़ा होता है तो काला चूर्ण बनता है या निकलता है। नियंत्रण इसके लिए नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम से बीज को उपचारित करें, जो 2 ग्राम पर kg सीड्स का प्रयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर जर के साथ छिड़काव करें। दुग्धवा अवस्था पर छिड़काव करें, मिल्की स्टेज पर। रोग से मुक्त बीज लगाएं। धान का झूठा स्मट रोग, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें।